हेलो व्यूअर्स, फिर से मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हर बच्चे को फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल नहीं आता। इसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। ये बहुत इजी है, आगे जाके कॉलेज में भी यूज़फुल है। सो बी फोकस ऑन दिस टॉपिक। ओके, नाउ तो व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ टुडे? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्राइसिस। इससे आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। आगे हमने इनवर्स फाइंड किया था चैप्टर 4 में, जो कि फॉर्मूला बेस्ड था। ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ अब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस एंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे। ओके, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ये दो तरीके से होता है। आप ओनली रो पे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं और ओनली कॉलम्स में। तो आपको दोनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करके आपकी प्रोसीजर मूव ऑन करनी। ऐसा नहीं है कि एक ही सम में एक बार रो से किया एक बार कॉलम से किया तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। सो आपका तो फर्स्ट मेथड यूज़ कीजिए या फिर मेथड 2 यूज़ कीजिए। अब इन दोनों के लिए सीक्वेंस अलग है। सीक्वेंस के लिए मैं पहले आपको 2x2 का बता दी हूँ आज के वीडियो में, एंड नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस 3x3। तो अगर आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस करना है तो आपको ये सीक्वेंस फॉलो करनी होगी 2x2 के लिए। तो पहले A11 को 1 लाइए, फिर A21 को 0 लाइए, A22 को 1 लाइए एंड A12 को 0 कीजिए। ऐसे आपका ए इनवर्स आ जाएगा। नाउ अब स्टार्ट कहाँ से करना है? तो आपको पता है कोई भी मैट्रिक्स होता है वो इक्वल्स टू क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए, देन इट इज़ कॉल्ड ए। कोई भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई ए इटसेल्फ होता है ना। अब मुझे फाइंड करना है इनवर्स। तो इफ़ दिस ए, इन दोनों साइड मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा? ए इंटू ए इनवर्स आई आ जाएगा, एंड हियर आई इंटू ए तो ए ही होता है बट ए इनवर्स आ जाएगा। ओके, मैं यहाँ पर मैंने एक स्टेप क्या किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स, देन ए इंटू ए इनवर्स आई, आई इंटू ए तो ए होता है और ए इनवर्स से मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया। देन पहले इससे प्रोसीजर स्टार्ट करनी है। जब ए की जगह आई आ जाएगा तो दूसरी साइड आई की जगह क्या मिलेगा आपको? ए इनवर्स। इन बीच आपको ये 4 स्टेप परफॉर्म करने हैं। इन दोनों के बीच ये 4 स्टेप आएंगे 2x2 में। ओके, नाउ तो मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ तो आपको ये दोनों का आइडिया क्लियर हो जाएगा ना। तो हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करते हैं। यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। नाउ फोकस दिस वर्ड। ओके, नाउ मैंने 3 चैप्टर स्टार्ट करने से पहले 4 स्टार्ट किया था। सो आपको पता ही होगा देन ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ इट। नाउ ये एग्जिस्ट कब होता है? जब डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं होता, मीन्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है। तो मैंने साइड पे डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर ही लिया है, वो 0 नहीं आ रहा तो ए इनवर्स पॉसिबल, फिर ही आप ये प्रोसीजर करिए। वरना अगर यहाँ पे इक्वल टू 0 आ गया तो इसका इनवर्स पॉसिबल ही नहीं। आप कितना भी करोगे इनवर्स आएगा ही नहीं। किसी को 1 करने जाओगे तो दूसरा एलिमेंट चला जाएगा, 0 करने जाओगे तो पहले 1 आया था वो चला जाएगा, ऐसा होगा, नहीं आएगा। इन द सेंस ऐसे नहीं आएगा। ओके, सो आप पहले ये कर लीजिए, ये 0 ना आए तभी आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए ना। वी आर स्टार्टिंग अवर क्वेश्चन विद दिस स्टेटमेंट इक्वल्स टू आई। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ए जो गिवन है वो आई, तो पता है अगर 2x2 का इनवर्स फाइंड करना है तो 2x2 लीजिए, और 3x3 का फाइंड करना है तो 3x3। अब ए की जगह कोई भी वैल्यू आपको पुट नहीं करनी है ना। अब ये सीक्वेंस फॉलो कीजिए। पहले हम क्या करेंगे, अब मुझे इस साइड आई लाना है। आई लाने के लिए मुझे आई का मीनिंग क्या है? 1001। तो पहले यहाँ पे 1 चाहिए, A111 लाना पड़ेगा। 1 लाने के लिए यहाँ पर तो प्रेजेंट ही है, सो हमारा ये स्टेप यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब सेकेंड स्टेप पे फोकस करेंगे, 2 1 क्या लाना है? 0। दैट मीन्स यहाँ मुझे 0 करना है। इस जगह 0 लाने के लिए मैं क्या करूँगी? तो अब तो पहले ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, आप रो से करना चाहते हैं या कॉलम से। ये रो के लिए है,
ये ओनली रो के लिए, कॉलम के लिए मैंने यही सम कॉलम से किया है, उसमें ये सीक्वेंस बदल जाएगी, आप उस वक्त देख लीजिए। ओके, तो पहले 210 लाना है, तो रो पे ऑपरेशन करके लाना है। तो आप कैसे करोगे, इस रो को मैं -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूँगी, तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0। अब अभी इन दोनों पे आपको फोकस नहीं करना, अभी आपका फोकस यही होना चाहिए। ओके, देन मल्टीप्लाइंग R1 विथ -2 एंड देन एडिंग इट इनटू R2, देन अवर R2 चेंजेस। ओके, नाउ तो R2 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, आपने इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 + 2 = 0। नाउ इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, देन -1 × -2 + adding into 3, देन 3 + 2 क्या आ जाएगा, 5। यही ऑपरेशन आपको इस पर करना है, 1 × -2 -2 + 0 दैट इज -2, 0 × -2 = 0 + 1 = 1। ओके, नाउ तो हमारी ये दोनों स्टेप फिनिश हो गए। नाउ दिस स्टेप पे आ जाते हैं, इस स्टेप में आपको A221 लाना है। A221 यानी इसको मुझे 1 करना है, तो मैं डायरेक्टली कर सकती हूँ, इस रो को 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। आपको 0 लाने के लिए एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, और आपको 1 लाने के लिए डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, आपको इस पे फोकस करना है। 0 लाना होगा तो सब्सट्रैक्शन या फिर एडिशन, एंड 1 लाना हो तो डिवीजन या फिर मल्टीप्लाइंग। ओके, अकॉर्डिंग टू एलिमेंट ना, तो इसको 5 से डिवाइड करते हैं पूरी दोनों साइड, देन R2 divides 5, सो 0/5 = 0, 5/5 = 1, -2/5 एंड 1/5, सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे मैंने राइट कर लिया। नाउ अब इसको 0 लाना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया। देखिए फन 2 को क्या लाना है, 0। ये जैसे ही 0 आ जाएगा यहाँ पे I आ जाएगा, और यहाँ पे A inverse into I, ये जैसे ही 0 आ गया वैसे ही इस साइड क्या आ जाएगा, I, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, A inverse A, तो एज इट इज ही है। ओके, नाउ अब इसको 0 करने के लिए, मैंने अभी बोला 0 के लिए या तो एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 है, इसमें ऐड कर दूँ मैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 0, -1 + 1 = 0। नाउ 1 + -2/5, देन वी गेट 3/5 एंड 0 + 1/5 = 1/5, सो यहाँ पे आई आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, A inverse into I, आप देख लीजिए। मैंने स्टार्ट किया था A = IA से, ये चारों स्टेप फिनिश करके मुझे स्टेटमेंट मिला I = A inverse into A, सो A के पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है, हमारा A inverse। ओके, नाउ तो ये हमारा A inverse में, आप लास्ट में ये ज़रूर लिखिए वरना मार्क्स कट हो जाएंगे आपके। ओके, सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया, लेकिन आंसर आपको लिखना है A inverse ये है ना। 2x2 में एक बात ये है कि आपको A गिवन है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि मेरा क्वेश्चन, मेरा आंसर सही है या नहीं। डिटर्मिनेंट A मिल गया, सो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कीजिए 1/5, एडजॉइंट ऑफ है इन दोनों का क्रॉस और इन दोनों की साइन चेंज, तो आप देखेंगे सारे एलिमेंट 1/5 से डिवाइड होंगे, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे, ये दोनों की साइन चेंज, तो मेरा ये आंसर कॉपी वही है। तो यहाँ से मुझे शॉर्ट ट्रिक भी मिल गई कि मैं क्रॉस चेक कर सकती हूँ। ओके, नाउ अब सारा ऑपरेशन मैं कॉलम से करूँगी, सीक्वेंस चेंज हो जाएंगी, ये दोनों सेकेंड एंड थर्ड पे ही है, फर्स्ट एंड थर्ड, बट चेंज क्या होगा, सेकेंड एंड फोर्थ, जो रो से करेंगे तो यहाँ पे 2-1 आएगा और यहाँ पे 1-2, बट कॉलम से करेंगे तो पहले 1-2 आएगा फिर क्या आएगा, 2-1, तो ये सीक्वेंस आपको मेंटेन करनी है, आप सीक्वेंस मेंटेन नहीं करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा ना। तो अब यही क्वेश्चन मैं इस मेथड से करती हूँ यूजिंग कॉलम, तो आप देख सकते हैं पहले तो A11, तो मेरा इस क्वेश्चन में तो पहले 1 ही है, तो इस स्टेप कैंसिल हो जाएगा। नाउ 1 to 0, दैट मीन्स मुझे ये 0 लाना है, ये 0 लाने के लिए इस कॉलम को इसमें ऐड करना पड़ेगा। नाउ कॉलम से कर रहे तो फोकस कॉलम पे कीजिए, अगर रो से कर रहे हो तो फोकस रो पे करो। ओके, नाउ सो इस कॉलम को मैं इसमें ऐड कर दूंगी, -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0, देन C2 + C1। ओके, नाउ तो C2 चेंज हो जाएंगी, 1 - 1 = 0। नाउ तो जे 2 + 3 = 5, तो सेम इसी साइड 1 + 0 यहाँ पे होगा एंड 0 + 1 यहाँ पे होगा, तो ये चेंज हो। नाउ अब क्या करना है, 2 to 1 लाना है, 2 to 1 लाने के लिए इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, मैंने अभी बोला 1 लाने के लिए मल्टीप्लाई या डिवीजन। ओके, और
अगर आपको जीरो लाना है तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन। नाउ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फाइव है, टू टू को वन करना है, यहाँ पे फाइव है, फाइव है तो आपको फाइव से डिवाइड करना पड़ेगा, वन बाई फाइव सी वन सॉरी सी टू, तो हमारा सी टू चेंज हो गया। तो इन दोनों को फाइव से डिवाइड कीजिए, तो जीरो को फाइव से डिवाइड करोगे जीरो, फाइव बाई फाइव वन, सेम ऑपरेशन यहाँ होगा, वन बाई फाइव वन बाई फाइव। ओके नाउ अब इसको मुझे ज़ीरो करना है, ज़ीरो करने के लिए कॉलम पे फोकस करना पड़ेगा, इस कॉलम पे माइनस टू से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूँगी तो इस साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। सेम प्रोसीजर यहाँ पे करनी है, इसको माइनस टू से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस टू इंटू वन बाई फाइव, माइनस टू बाई फाइव प्लस वन थ्री बाई फाइव, माइनस टू बाई फाइव इन प्लस जीरो माइनस टू बाई फाइव। सो यहाँ पे आई आ गया, तो इस साइड क्या होगा ए इनवर्स। ओके नाउ तो ये मेथड टू भी कंप्लीट होगी। ओके नाउ तो अब हम क्वेश्चन टू करते हैं। ये क्वेश्चन वन था, दोनों ही मेथड से, मेथड वन यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एंड मेथड टू थी यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। नाउ अभी मैं आपको सारे क्वेश्चन रो मेथड से कराती हूँ, क्योंकि सारे बच्चे यूजुअली रो प्रेफर करते हैं, इसीलिए कोई भी मेथड आप कर सकते हो, आपको जो इजी लगे वो। ओके नाउ क्वेश्चन टू, क्वेश्चन टू करने से पहले अब फिर से सीक्वेंस याद कर लीजिए। इसको वन करना है पहले, फिर इस एलिमेंट को ज़ीरो, फिर इसको वन और देन इसको ज़ीरो। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसे वन करना है। अब ऑलरेडी नीचे वन प्रेजेंट है तो मैं इन दोनों का इंटरचेंज कर सकती हूँ, या फिर आप दूसरा कर सकते हैं, इसको टू से डिवाइड कीजिए आर वन को, दो ऑपरेशन आप कर सकते हैं, या फिर इन दोनों का इंटरचेंज कीजिए या फिर इसको टू से डिवाइड कीजिए। ओके तो नाउ मैं इंटरचेंज करती हूँ बिकॉज वो थोड़ा ईजी रहेगा। नाउ तो इन दोनों का इंटरचेंज होगा आर वन एंड आर टू का, तो वन वन ऊपर आ जाएगा एंड टू वन क्या चला जाएगा नीचे, जो ऑपरेशन इस साइड होगा वो इस साइड भी होगा, सो जीरो वन ऊपर एंड वन जीरो नीचे हो जाएगा। नाउ फोकस ऑन दिस एलिमेंट, सो इसको मुझे क्या करना है जीरो, इसको जीरो करने के लिए या तो फिर एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन, यहाँ पे प्लस टू है तो मुझे सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे फर्स्ट रो को, हम अभी रो पे फोकस करेंगे, सेकंड को जीरो करना है तो फिर इसको माइनस टू से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दीजिए, आर वन को माइनस टू से मैंने मल्टीप्लाई किया और फिर एडिशन किस में किया आर टू में, बिकॉज मुझे आर टू का एलिमेंट जीरो करना है। ओके तो ऑपरेशन आर टू पर करना पड़ेगा और किस से यूज से करेंगे आर वन के, आपको ये लिखना आना चाहिए। ओके सो मैंने क्या किया आर वन को माइनस टू से मल्टीप्लाई, सो यहाँ पे क्या होगा माइनस टू इंटू वन, माइनस टू प्लस टू जीरो, माइनस टू इंटू वन माइनस टू प्लस वन माइनस वन, जीरो इंटू माइनस टू जीरो प्लस वन वन, एंड वन इंटू माइनस टू प्लस जीरो माइनस टू। ओके नाउ लास्ट स्टेप यहाँ पे क्या होगा, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा वन। अब ऐसी सीक्वेंस है हमारी रो के लिए, सीक्वेंस ऐसी है। ओके सो ये जीरो हो गया, इसको वन, इसको वन करने के लिए माइनस वन है तो माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वन प्लस वन जीरो, मैंने कहा था वन के लिए मल्टीप्लाई या डिवीजन और जीरो के लिए एडिशन या सब्सट्रैक्शन, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। सो किसको करना पड़ेगा आर टू का एलिमेंट है तो आर टू को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके सो माइनस वन इंटू माइनस वन वन, और जीरो इंटू माइनस वन तो जीरो ही होगा। ओके ना यहाँ पे वन इंटू माइनस वन माइनस वन, माइनस टू इंटू माइनस वन टू। ना अब इसको जीरो करना है, जीरो के लिए एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन किसको करना है आर वन को, किससे यूज से आर टू के। ओके सो आर टू को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया एंड एडिंग इंटू आर वन, आर टू को माइनस वन से मल्टीप्लाई करके आर वन में ऐड कीजिए। ओके सो यहाँ पे आइडेंटिटी आ जाएगा ना, यहाँ पे माइनस वन इंटू माइनस वन क्या होगा फ्रेंड्स, याद कीजिए वन इसमें ऐड हो जाएगा। नाउ माइनस टू इंटू वन माइनस वन, टू इंटू माइनस वन माइनस टू प्लस वन माइनस वन। ओके सो ये हमारा ए इनवर्स। अब आप इसके यूज से भी कर सकते हैं, फॉर्मूला याद कीजिए ए इनवर्स का, वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो डिटर्मिनेंट ए तो मैंने निकाला था, वन आएगा। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इन दोनों का क्रॉस और इन दोनों की साइन चेंज। आप वन टू माइनस वन देखिए, वन टू माइनस वन, ये हमारा क्रॉस चेक हो गया, मेरा आंसर राइट है। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, सेम वही प्रोसीजर करनी है। यहाँ पे तो इजी हो गया, एक स्टेप निकल गया, मुझे इसको वन, इसको ज़ीरो, फिर वन और ज़ीरो ऐसा करना था, यहाँ ऑलरेडी वन है। नाउ तो मैं इस पर फोकस करूँगी, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा ज़ीरो। ज़ीरो करने के लिए मैं किसका यूज़ करूँगी आर वन का, आर वन को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ये ज़ीरो होगा, माइनस टू से। सो आर वन मल्टीप्लाइंग बार माइनस वन एंड एडिंग इंटू आर टू, तो यहाँ पे ज़ीरो होगा, थ्री इंटू टू सिक्स, तो यहाँ पे क्या होगा सेवन माइनस सिक्स बोलिए। ओके तो यहाँ पे देख लेते हैं, वन ज़ीरो
3 1 1 माइनस 2 0 1, यह 0 हो गया, ये ऑलरेडी 1 ही है तो आपको कोई करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, मैं अभी बोली 7 माइनस 6 का आएगा 1 आ गए ना, तो अब एक ही एलिमेंट बचा, इसको 0 करना है, तो यह इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 इसको -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना पड़ेगा, R2 × -3 + R1। तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, और यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, -2 × -3 6 + 1 7, -3 × 1 -3 + 0 -3। ओके, तो ये हमारा इनवर्स आ गया ना। मुझे आंसर क्रॉस चेक करना है तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों का चेंज करूँगी, 7 1 -2 -3। अब आप डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, 7 - 6 1 आएगा, तो यही हमारा आंसर है, 7 1 - 2 - 3। देख लीजिए 7 1 - 2 - 3 क्रॉस चेक हो गया ना। क्वेश्चन 4, डिटर्मिनेंट ए निकाला मैंने, -1 आया, ये नॉन सिंगुलर है, इनवर्स पॉसिबल है। ओके ना, तो देख लीजिए यहाँ पे 2 है, ओके तो उसको मुझे 1 करना पड़ेगा पहला, क्योंकि सीक्वेंस ये है हमारी 1 0 0 1, इसको 1 करने के लिए 2 से डिवाइड करोगे तो ही पॉसिबल है। तो मैंने पहले स्टेटमेंट लिख लिया, a = ia। नाउ इसको फर्स्ट रो को 2 से डिवाइड किया तो फर्स्ट एलिमेंट 1 हो जाएगा, देन 1 3/2 1/2 एंड 0। ओके नाउ अब इसको 0 करना है, 0 करने के लिए मैं किसका यूज़ करूँगी, फर्स्ट रो का, किससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, -5 से। सो एडिंग R1 को -5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए R2 में, तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0। ओके, और ऐसा ऑपरेशन करने से ये पूरा चेंज हो जाएगा। नाउ अब आप यहाँ पे देख सकते हैं -1/2 है, मुझे यहाँ पे +1 लाना है, +1 लाने के लिए -2 से इसका रिवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो R2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो तीसरा एलिमेंट 1 आ गया। ओके नाउ सो ये आपको इस पर ही ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इस साइड तो आपको आ जाएगा 1 0 0 1 ही लाना है। ओके 1 0 1 0 ही लाना है, बट इस साइड फोकस नहीं किया तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। सो इस साइड ऑपरेशन में थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके नाउ अब इसको मुझे 0 करना है, तो इसको 0 करने के लिए इसका ऑपोजिट यानी -3/2 से इससे मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो R2 मल्टीप्लाइड बाय -3/2 एंड एडिंग इनटू R1। तो इस साइड तो आइडेंटिटी आ गया, तो इस साइड आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, 5 × -3/2 + 1/2, तो आपका आंसर -7 आ जाएगा। ओके वैसे ही -2 × -3/2 एंड एडिंग इनटू 0। ओके सब का आंसर ये आ जाएगा, ये यहाँ पे आई आया, तो इस साइड क्या होगा, ए इनवर्स इनटू ए। ओके नाउ तो 5 और 6 आपको होमवर्क में करने हैं। इस टाइप के आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सभी मैं करूँगी तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं एक और क्वेश्चन करा देती हूँ, क्वेश्चन 7। नाउ क्वेश्चन 7 में है 3 1 5 2। पहले लिख लीजिए a = ia, डिटर्मिनेंट निकाला, 1 आया, ए इनवर्स पॉसिबल है बिकॉज ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नाउ इसको पहले 1 कीजिए, फिर 0 1 0, 1 करने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, R1/3। ओके तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पूरा चेंज हो गया, 3 से डिवाइड हो गया। नाउ अब इसको 0 करना है तो इसको -5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसमें ऐड कीजिए, तो ये हो गया R2 + -5 R1। नाउ सो ये 1 0, नाउ यहाँ पे 1 लाना है, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, R2 3 R2, तो यहाँ पे 1 आ गया। इस साइड भी आपको वैसा ही ऑपरेशन करना है। ओके नाउ अब इसको 0 करना है, इसको -1/3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, ये 0, इस साइड आइडेंटिटी आ गया, और इस साइड क्या आएगा, ए इनवर्स। आपको 8 और 9 ट्राई करने हैं, और 10 से सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। ओके तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ गया होगा, क्योंकि 2×2 का इससे इजी एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देता, और ये सबको डिफ़िकल्ट लगता है, तो इसकी सारी प्रैक्टिस कीजिए। मैंने 4 क्वेश्चन कराए हैं और 4 होमवर्क में दिए हैं, अगर आपने ये रेगुलरली कर लिया तो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को सारे स्टूडेंट को पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि इस पूरी समय में सभी का टाइम यूटिलाइज हो, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।